हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो कंप्यूटर का जो है सेशन चलाया जा रहा था हॉस्टन वार्डन के लिए, जिसमें हम 150 MCQ यहाँ पे जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, पर 150 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आप हॉस्टन वार्डन में देखेंगे 30 नंबर का जो है आपको कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है जी, 30 में 15 नंबर लाना कंपलसरी, तभी पेपर आपका जो है आगे चेक होगा। ठीक है जी, तो क्वालिफाई करने के लिए 15 नंबर फिक्स है इसमें। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है बैंक वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, SSC वगैरह को, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में जो 150 क्वेश्चन देखे कि निम्न में से कौन से जो है कनेक्टिविटी के एक उदाहरण है। ठीक, तो कनेक्टिविटी का एक अच्छा उदाहरण आपका इंटरनेट है। लास्ट क्वेश्चन हम यही देखे थे, यहाँ से हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन है, मेनू में। ठीक है, मेनू में कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है। ठीक है, तो मेनू में जो है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए चयन किसका किया जाता है, तो ये आपका एडिटिंग है। ठीक है, तो एडिटिंग जो फाइल है इसमें आप जो है कट कॉपी और पेस्ट जो है आप कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन एडिटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेव एस, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा भी आपका जो है सेव एस करके। ठीक है जी, तो डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए जो है खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो सेव एस का जो है प्रयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को जो है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चौड़ाई या लंबाई के लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पढ़नी है खाली स्थान जाना जाता है। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पढ़नी है, इसको जो है हम बार कोड के रूप में जानते हैं। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन बार कोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए खाली स्थान का जो है बटन दबाया जाता है, तो इसमें जो है रिफ्रेश बटन को। ठीक है, रिफ्रेश, तो एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए या रीलोड करने के लिए जो है बटन कौन सा दबाया जाता है, रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। ठीक है जी, पाँचवा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटरों को खाली स्थान के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क। तो पर्सनल कंप्यूटरों को नेटवर्क के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। ठीक, बाइट एक बाइनरी संख्या के एक अंक है, दूसरा है बिट डिजिटल संख्या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, थर्ड है 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है, 8 अंकों की बाइनरी संख्या जो है बिट कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा कथन सत्य है। तो थर्ड ऑप्शन 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है, 8 अंकों की जो बाइनरी संख्या को जो है ये जो है आपका बाइट कहलाती है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी इसका जो है आंसर आप लगा पाएंगे। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल ए। ठीक है, ए मतलब आल हो जाएगा। ठीक, तो सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का जो है दबाना भी, मतलब जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्क पर एक चक्र क्या कहा जाता है, इसको जो है ट्रैक बोला जाता है। ठीक है, तो एक डिस्क पर एक चक्र, इसको ट्रैक बोला जाता है, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे DSL। ठीक है, DSL एक खाली स्थान कनेक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड आ जाएगा, तो DSL एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो CPU के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा खाली स्थान में स्थित होते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, ये आपका रैम में। ठीक है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक, ये आपका जो है वोलाटाइल मेमोरी है। तो CPU के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश
और डाटा जो है रैम में स्थित होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको ठीक है वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है, ठीक है, तो ये सीपीयू आ जाएगा, ठीक है, सीपीयू। तो निम्न में से सीपीयू को छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण माना जाता है, ये आपका फ्लॉपी डिस्क जो स्टोरेज उपकरण है, सीडी जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी जो है स्टोरेज के लिए प्रयोग करते हैं सीपीयू को छोड़ के, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज कैट आदि खाली स्थान में स्टोर होती है, तो ये आपका बिन डायरेक्टरी, याद रखें तो ये जो है डेट कैट इज वगैरह ये सभी जो है कहाँ स्टोर होती है, तो बिन डायरेक्टरी में जाकर ये आपका स्टोर होती है, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको जो है यहाँ पे जो है MSI बोलते हैं, ठीक है। तो एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के जो है साथ एक सर्किट को जो है MSI बोलते हैं, तो आपका जो है चौथा सेकेंड ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, MSI। तो एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट, ये इसको जो है MSI बोलते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के बराबर होता है, ठीक। तो एक मेगाबाइट जो है लगभग 1,00,000 bytes के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1,00,000 bytes यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक। एक बाइट लगभग 1,00,000 bytes के बराबर होते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के खाली स्थान की जांच करता है, ठीक। तो डाटाबेस, तो यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के जो है डाटाबेस की जो है जांच करता है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है लैपटॉप के रूप में, ठीक है। तो कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, इसको खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, लैपटॉप के रूप में जाना जाता है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल को, ठीक है, ईमेल पर कई बार क्वेश्चन पूछे, ईमेल से मान के चलिए क्वेश्चन फिक्स रहता है, अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है, स्पैम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपका ऐसा भी दिया रहेगा, तो अवांछित ईमेल को जो है स्पैम बोला जाता है, ठीक है। या ईमेल के जो है आविष्कारक कौन है, तो ईमेल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, पांचवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर, ठीक है, खाली स्थान कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना है, ठीक, कैसे करना है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक ईमेल भेजते समय खाली स्थान लाइन संदेश की कंटेंट्स का वर्णन करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन संदेश की कंटेंट्स का वर्णन करता है, सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान कुंजी स्टार्ट बटन लॉन्च करती है, ठीक है, तो विंडो आ जाएगा, ठीक। तो विंडोज जो है कुंजी स्टार्ट बटन को जो है लॉन्च करती है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डिक्रिमेंटेशन का जो है परम उद्देश्य क्या है, ये जो है अधिक फ्री स्पेस बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रिमेंटेशन का जो परम उद्देश्य क्या है, तो अधिक फ्री स्पेस बनाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है जी, इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या लाइट पेन, चौथा ऑप्शन जॉयस्टिक हो जाएगा। तो जॉयस्टिक खास करके जो गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, छड़ी टाइप का रहता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जॉयस्टिक इस पर जो है गेमिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखें, इनपुट आउटपुट डिवाइस को रट के जाना है आपको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये जो है स्विचिंग बोलते हैं, यहाँ पे स्विचिंग आ जाएगा। स्विचिंग एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान वेब पृष्ठों को एक संग्रह है, तो खाली स्थान वेब पृष्ठों को एक संग्रह है, और खाली स्थान पहला पृष्ठ है जिसे हम
वेबसाइट खोलने पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट जो है पृष्ठों का एक संग्रह है, और इसको जो है कहाँ पे होम पेज का जो है पहला पृष्ठ है जिससे हम वेबसाइट खोलने पर जो है देखते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम WWW के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, इसके खोज आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली, याद रखिए इन्होंने इसका आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब की जो है बैकबोन क्या माना जाता है? तो इसको जो है HTTP, ठीक है, यहाँ पे HTTP इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बैकबोन क्या माना जाता है? HTTP, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे SMTP, ठीक है, SMTP का पूर्ण रूप है या इसका जो है SMTP के फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका S से सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 178 क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और जो है एनिमेशन प्रदान करते हैं खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है हम फ्लैश के रूप में जानते हैं। ठीक है जी, याद रखिए, छोटे प्लेस प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एप्लीकेशन प्रदान करते हैं तो इसको हम फ्लैश के रूप में जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को, कंपाइलर क्या करते हैं? एरर को जो है चेक करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है हम सिंटेक्स एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर के द्वारा निकाले हुए एरर को हम जो है सिंटेक्स एरर, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे सिंटैक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स में जो है विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्सी सर्वर निम्नलिखित किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो है वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों का जो है प्रोसेस करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्राक्सी सर्वर क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों का जो है प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है खाली स्थान स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है, इसको जो है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के रूप में जानते हैं, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कौन सा टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है, तो आपका जो है URL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कौन सा टर्म पूरे साइट के जो है मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है, तो आपका URL ये जो है आपका आइडेंटिफाई करता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली स्थान है, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है क्या है? हार्ड डिस्क में संग्रहित, फ्लॉपी में स्टोर्ड, CD में स्टोर्ड, या आपके प्रिंटर पर मुद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर पर जो है मुद्रित की जाती है, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर। कंप्यूटर का कौन से जो हिस्से को जो है छुआ या महसूस किया जा सकता है? प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, आउटपुट को, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के कौन से जो पार्ट्स है जिसको हम जो है छुआ जा सकते हैं, महसूस किया जा सकता है? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला भाग होता है, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर जो भाग जो हिस्सा है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस किया जा सकते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन हार्डवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, चाहे आप पटवारी कोई से भी पेपर क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं, SSC पटवारी, हॉस्टन वार्डन, जो भी एग्जाम का आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखेंगे सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।